नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एमपी डीएड यानी डीएलएड एडमिशन 2024-25 के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं कि एमपी डीएड का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग चालू हो चुकी है। काउंसलिंग गतिविधियाँ कैसे होंगी, कब होंगी, पूरा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं गूगल क्रोम में। यहाँ पर सर्च करेंगे आर एस के एम पी ऑनलाइन। जैसे सर्च करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर इसको सर्च करने के बाद पहले रिजल्ट पर पहले सॉरी यहाँ पर हम जाएंगे हमारा जो URL रहेगा rsk.mponline.gov आपको नहीं मिलेगा गूगल में, तो आप लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है उसके माध्यम से चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम rsk.mponline.gov.in चले गए हैं। यहाँ हम आ चुके हैं rsk.mponline.gov के होम पेज पर। यहाँ पर देख सकते हैं DLED काउंसलिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर हम DLED काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2024-25। आवश्यक सूचना दिया हुआ है यहाँ पर, काउंसलिंग गतिविधियाँ, अन्य जानकारी, समय सारणी और रिक्त संस्थाओं की सूची। सबसे पहले समय सारणी बता देते हैं कि प्रथम राउंड हेतु जो पंजीकरण होगा 13 मई से लेकर 26 मई 2024 तक होगा। ठीक है, इसके बाद काउंसलिंग गतिविधियाँ पूरा दिखा देते हैं आपको। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड का पोर्टल चार्ज ₹50 केवल लगेगा 13 से 26 मई। डुप्लीकेट रसीद प्रिंट यानी कि उसी का जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका प्रिंट निकालने का। अगर आप पे एंड पे करना चाहिए यानी पेमेंट नहीं हुआ पैसा, तो यहाँ से भी आप पे एंड पे कर सकते हैं। पासवर्ड बनाते हैं, पासवर्ड रिसेट करना होगा तो यहाँ से करेंगे। यहाँ पर जो पेड रजिस्ट्रेशन पोर्टल एडिट करेंगे तो एडिट हो जाएगा, लेकिन एडिट का चार्ज लगेगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। और आपको एक बात बता दूँ, इसमें यह जो डीएड है यह सरकारी और प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए है। इसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेज सभी से होंगे, यानी जो डाइट कॉलेज है और जो प्राइवेट कॉलेज वो सभी से होंगे। चलिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसको करके बताते हैं। यहाँ पर इसका पहले बता दें कि कोई बहुत ज़्यादा रूल बुक इसका नहीं आया है। रूल बुक के बारे में इसमें कोई भी खास अपडेट नहीं दिया हुआ है। एक छोटा सा PDF दिया हुआ है जो इंस्टीट्यूट के लिए था, अभी अभी आया है, मैंने आपको अभी भी वीडियो बना दिया। इसलिए जैसे रूल बुक आएगा पूरा फॉर्म भर के भी डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ वो आइडिया आप देख लीजिए कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र डीएलएड पाठ्यक्रम 2024-25 आवश्यक दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के मूल निवासी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो जरूरी है। नियम पुस्तिका देख लें, लेकिन नियम पुस्तिका में कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अभी तक नहीं है, अभी आ जाएगा। जाति एवं संवर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भरने के बाद नाम, पिताजी का, माताजी का नाम, सब कुछ, मोबाइल नंबर, अंकों का विवरण, फोटो अपनी सब अच्छे से जांच लें। भुगतान संबंधी आवेदक जैसे भुगतान करेंगे सही देख लें कि आपका पेमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तभी भुगतान करें। अगर आपको नहीं आता है तो पुनः प्रयास करें या फिर निकटतम कियोस्क के पास जाकर फीस जमा करें, भुगतान करें और सक्सेस पेमेंट की रसीद प्राप्त करें। जैसा पैसा कट जाता है, भुगतान नहीं होता, तो कटा हुआ पैसा उसके खाते में वापस आ जाता है। यहाँ पर सब जानकारी लेने के बाद यहाँ पर मैं सत्यापित करता हूँ। विज्ञापन पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद यहाँ पर जाके हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से आ जाएगा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के एडमिशन जो है डीएलएड का। यहाँ पर क्या आप 12वीं एमपी बोर्ड से पास हैं, तो हाँ हाँ करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे 2023-24 जो कुछ भी हमारा है 2024 डाल देंगे। इसके बाद बोलेगा आपको मालूम है कि 12वीं पास है इसकी योग्यता, यानी कि 12वीं पास है वो भी कर सकते हैं जो कंप्लीट किए, कितना भी कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर हम यहाँ पर डालेंगे रोल नंबर डाल देंगे। रोल नंबर डालने के बाद इसके बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे एमपी बोर्ड के बाद यहाँ पर माता जी का नाम लिखेंगे। माता जी का नाम लिखने के बाद इसके बाद यहाँ पर कैप्चा भरने के लिए आएगा। हमने माता जी का नाम लिख लिया। माता जी का नाम लिखने के बाद यहाँ पर कैप्चा भरने के लिए आ गया। हमने कैप्चा फिल कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक कर दिया। हमारा पूरी जानकारी यहाँ पर खुल के आ चुका है। यहाँ पर नाम मिला लेंगे, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, 12वीं में पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना है और कौन से विषय से थे, विषय आ गया। उसके बाद वेरीफाई डिटेल एंड प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरा एक पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। प्रथम नाम लिखा हुआ आ रहा है, मध्य नाम, उपनाम लिखा हुआ है, पुरुष महिला चुन लेंगे यहाँ पर। इसके बाद जन्मतिथि डाल देंगे। जन्मतिथि डालने के बाद धर्म डाल देंगे। धर्म डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मूल निवासी हैं तो डालेंगे। यस करेंगे तो प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट डालना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम श्रेणी में हैं तो अगर जनरल से हैं तो
नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरे कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। शासकीय शिक्षक हैं, हाँ नहीं, यह गवर्नमेंट टीचर के लिए भी है, शासकीय शिक्षक रहेंगे तो फिर भी यहाँ पर हाँ करेंगे, यहाँ पर एमपी करेंगे तो ये शो होगा। हाँ करने के बाद स्कूल का नाम और भर्ती यानी ज्वाइनिंग डेट और कार्यरत जिला, स्कूल का डाइस कोड, यहाँ पर 10वीं की जानकारी भरेंगे, 12वीं का ऑटोमेटिक भरा भरा आ चुका है। यहाँ पर अपनी एड्रेस भरेंगे, एड्रेस पूरा भरने के बाद इसके बाद यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर कैप्चा भरने के बाद और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप के द्वारा जो भी जानकारी दिया गया सही दिया गया है, गलत करने पर कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। किसी भी प्रकार का अपात्रता अगर पाई जाएगी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। इस प्रकार से यह एक डेमो था, मैंने बता दिया इस वीडियो में कि आप कैसे, इसके बाद आपका क्या होगा कि इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएगा, इसके बाद ₹50 का पेमेंट होगा, फिर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से रहा यह वीडियो, कैसा लगा, अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।